सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइज। आज की इस वीडियो में मैं एक सॉल्यूशन लेके आया हूँ जिससे आप सीपीयू टेम्परेचर को बहुत ही आसानी से कंट्रोल कर सकते हो जब भी आप गेमिंग करते हो अपने पीसी या लैपटॉप में, ठीक है। तो इस वीडियो का बस एक ड्रॉबैक यह है कि ये वीडियो इंटेल यूज़र्स वालों के लिए नहीं है, ये सिर्फ राइजन यूज़र्स वालों के लिए है। तो इंटेल वाले इसको चाहे तो लेफ्ट कर सकते हैं। तो गाइज आप यहाँ देख सकते हो मैंने कंट्रोल गेम को रन कर रखा है और यहाँ मैं आपको एक बार प्रीसेट भी आपको दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ हाई पे सेटिंग कर रखी है इस गेम की, ये क्वालिटी प्रीसेट में देख सकते हो हाई मैंने सेलेक्ट कर रखा है और मैंने इसमें रे ट्रेसिंग को भी अनेबल कर रखा है। आप देख सकते हो सारे ऑप्शन मैंने अनेबल कर रखे हैं, रे ट्रेसिंग भी मैंने हाई पे सेलेक्ट कर रखा है, इसलिए आपको इसमें FPS आपको 20 से 25 के अराउंड देखने को मिलेंगे। RTX 3050 ग्राफिक कार्ड है इसमें, Asus TUF A70 लैपटॉप है ये। और इसमें अभी आप टेम्परेचर फिलहाल देख सकते हो ये 60 से 70 के बीच में फ्लक्चुएट हो रहा है, ठीक है। ये सेटिंग अप्लाई करने से पहले का आप टेम्परेचर देख सकते हो CPU का, ठीक है। तो अभी FPS भी हमें ये 20 के अराउंड मिल रहे हैं, ठीक है। तो FPS आपका लॉस नहीं होगा। और अब आपको मैं बता दूं करना क्या है, ये राइट कॉर्नर पे जो आइकन है इसे आपको, इसको आप इंस्टॉल कर लेना है, ये जो सॉफ्टवेयर है राइजन कंट्रोलर के नाम से, ठीक है। इस पर आप राइट क्लिक करके रन एस एडमिनिस्ट्रेटर के थ्रू इंस्टॉल करोगे, ठीक है। तो गाइस ये मैं सिर्फ आपको बताने के लिए ही यहाँ पर अभी ओपन कर रहा हूँ, मैं वैसे इंस्टॉल करूँगा नहीं, मैंने इंस्टॉल पहले से ही कर रखा है। तो जैसे कि ओपन हो गया बट मैं इसे इंस्टॉल नहीं करूँगा, इसको मैं कट कर देता हूँ, ठीक है। तो इंस्टॉल करोगे तो राइजन कंट्रोल नाम से कुछ इस तरीके का आइकन आपको दिखाई देगा, इसे आपको ओपन करना है रन एस एडमिनिस्ट्रेटर के थ्रू ही, ठीक है। इस सॉफ्टवेयर का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ये थोड़ी देर टाइम लगाएगा ओपन होने में। तो ये ओपन हो गया, इसे मैं ओपन कर लेता हूँ, गेम के वजह साइड हो गया, ठीक है। तो मैं स्विच कर दिया इसको और कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको दिखाई देगा फर्स्ट टाइम जब आप इसे ओपन करोगे तो, ठीक है। और CPU टैब के अंदर वो भी मैं, और इसमें आपको ये सेकंड ऑप्शन है CPU TDP, इस वाले ऑप्शन पे आपको टिक कर देना है, ठीक है। इस पे जब आप टिक करोगे तो यहाँ पे आपको बाय डिफ़ॉल्ट ये 20 पे सेलेक्ट किया हुआ दिखाई देगा, ठीक है। इसको आपको 20 से 15 कर देना है, 20 से इसको आप 15 जैसे करोगे इसको अप्लाई करोगे और इसे आप काट दोगे। तो यहाँ पे आप टेम्परेचर देख सकते हो ये 60 से बिल्कुल ब्लो हो चुका है, ये 50 से 55 का राउंड ही अब आपको टेम्परेचर दिखाई देगा। और फ्रेम रेट इसमें गाइस, इस सॉफ्टवेयर का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इसमें फ्रेम रेट आपका बहुत ही, ये मान लो 1 से 2 FPS सिर्फ आपका ड्रॉप दिखाई देंगे जो कि पता भी नहीं चलता, ठीक है। ऑलमोस्ट आपको सेम FPS देखने को मिलते हैं विद डिक्रीजिंग टेम्परेचर, ठीक है। तो मैं अभी भी गेम प्ले कर रहा हूँ तो गेम में मेरे को बिल्कुल भी कहीं भी लैग देखने को नहीं मिला है, गेम एकदम स्मूथ चल रहा है। टेम्परेचर हमारा 50 से 55 के अराउंड में पहुँच चुका है। तो गाइस देखा कितना सिंपल सा मेथड था ये, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जिस जिसको वीडियो पसंद आई है गाइस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, ठीक है। आपके एक लाइक से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है इसी तरह की हेल्पफुल वीडियोज़ लेके आने के लिए। और अगर चैनल पे आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर देना ताकि इसी तरह के हेल्पफुल वीडियोज़ आपको आगे भी मिल सके। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।